कोई उनका जॉब ले लेगा तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है पॉसिबल एक दो साल तक एक भी मूवी नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे इनसिक्योरिटीज है फियर ऑफ जजमेंट है उनको मी टाइम नहीं मिल रहा है उनको सेफ स्पेस नहीं मिल रहा है अब आजकल हम लोग मिलेनियल्स और जो आपने बात की उसमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो डिप्रेशन और लोनलीनेस ये टॉप पर है मतलब अगर आप कोई भी इंसान से पूछोगे तो वो सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल देगा भाई दीपिका पादी भी ये? को भी ये था फिर उससे पॉपुलर एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत मतलब हम लोग उसके अलग एंगल पर नहीं जाएंगे कि वो एबेटमेंट या सुसाइड या फिर वो सारी जो कॉन्स्पिरसी थियरीज मैं उस पर कवर नहीं करना चाहूंगा पर एज ए साइकेट्रिस्ट मैं आपसे एलियनेशन के बारे में पूछना चाहूंगा क्योंकि एक थियरी उसके मर्डर या सुसाइड जो भी था उसमें ये थी कि वो आउटसाइडर फील कर रहा था वो कट ऑफ फील कर रहा था वो लोनली हो गया था वो डिप्रेस हो गया था उसे नेपोटिज्म से मतलब हकाल वो क्या कह सकते हैं के निकाल दिया था उसके पूरी जो ग्रुप सर्कल था उसमें तो मुझे लगता है ये उतने ज्यादा स्तर पर नहीं पर कोई माइनर स्केल पर आई थिंक बहुत लोग ये फील करते होंगे वर्क फोर्स में हो गया या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में हो गया डिफरेंट फिलोसॉफी के कारण तो आपके हिसाब से डिप्रेशन कैसे होता है क्यों होता है जो न्यूरोकेमिकल लोचा कहते हैं मैं आपसे वो समझना चाहूंगा और उसके क्या क्या उपाय वो भी मैं आपसे समझना जा रहा तो आपके क्वेश्चन को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करके समझना चाहूंगा एक तो डिप्रेशन क्या है दूसरा एलियनेशन क्यों होता है लोनलीनेस क्यों होता है और उस उसका हम क्या कर सकते हैं और तीसरा सुशांत सिंह राजपूत या दूसरे सेलिब्रिटीज हैं उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन का चांस रहता है ये तीनों इंटरेस्टिंग चीजें या तो डिप्रेशन जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है डिप्रेशन मतलब आज मुझे सैड फील हो रहा है तो मैं डिप्रेस्ड हूँ ऐसा नहीं है सैडनेस और डिप्रेशन दोनों को सेम वर्ड की तरह यूज मत कीजिए सैडनेस जो है वो नॉर्मल लाइफ का पार्ट है कभी कुछ हमको पसंद नहीं वैसा हो गया तो सैड फील हो सकता है कभी कभी बिना रीजन के भी सैड फील होता है सुबह उठे और अच्छी नींद नहीं, नहीं हुई हमको सैड फील होता है सैडनेस डिप्रेशन नहीं है डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर हम दो हफ्ते से भी ज्यादा टाइम तक बहुत सारी चीज़ें महसूस करते हैं जैसे कि कॉन्स्टेंटली बुरा महसूस होना उदास महसूस होना हमारे जो इंटरेस्ट की चीजें थी हमारी हॉबीज थी वो करने का मन ही नहीं हो रहा है हमको होपलेस फील हो सकता है हेल्पलेस फील हो सकता है जैसे मुझे अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता यार कोई मतलब नहीं है जीने का या वर्थलेस है मैं कुछ काम का नहीं हूँ मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है ऐसा होपलेस हेल्पलेस या वर्थलेस फील होना घबराहट बेचैनी महसूस होना डिसीजन नहीं ले पाना राइट uh, रेस्टलेस right, हो जाना या इन वर्स्ट केसेस नहीं जीना है ऐसे थॉट्स आना इसमें से कोई भी तीन चार चीज अगर दो हफ्ते से ज्यादा तक कंटिन्यूसली रहती है तो एक इंडिकेशन है कि आपका ब्रेन मूड हॉर्मोन्स को नहीं बना रहा है और इस कंडीशन को डिप्रेशन कहते हैं राइट तो नॉर्मल सैडनेस डिप्रेशन नहीं है तो जब ये होता है आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही चाहिए क्योंकि वो ही इसके रीजन को पकड़ के इसको ठीक कर पाते आप सिर्फ मोटिवेशन स्पीचेस से चीज ठीक नहीं होती है सैडनेस उससे ठीक हो सकती है okay. आज मूड खराब है वो चीज बहुत सारी चीजों से ठीक हो सकती है डिप्रेशन जो है उसके लिए हमको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। तो, और right? तो आपने बहुत बता दी है तो सोशल मीडिया culprits, जिसको बार बार देख देख के हमको लगता है कि बाकी लोग तो बहुत मजे उड़ा रहे हैं फोमो वेरी पॉपुलरली यार ये लोग इधर घूमने चले गए मेरे को नहीं बुलाया ये लोग तो बहुत मजे कर रहे हैं मैं तो नहीं कर रहा हूँ तो right? so तो उनकी लाइफ सॉर्टेड है मेरी लाइफ नहीं है तो इससे हम ज्यादा एलियट हो जाते हैं सेकंड चीज ये है कि हम लोग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड थोड़ा सा हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ अगर जा रहे हैं तो हम हम ज्यादा ओपिनियनेटेड हो रहे तो क्या हो रहा है जब हम ज्यादा ओपिनियनेटेड हो रहे हैं हम ज्यादा अपने जोर से अपने ओपिनियन को रख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोग अपने वैलिडेशन को कि मैं सही हूं अपने ओपिनियन और लोगों के वैलिडेशन के साथ उसको अटैच कर रहे हैं तो वो बहुत जोर से अपना ओपिनियन करते हैं जो अपने ओपिनियन से डिफर करते हैं उनके साथ वो फ्रेंडशिप ही नहीं कर पा रहे राइट right? कि मेरा ओपिनियन ये है उसका ओपिनियन अलग है उसके साथ वो फ्रेंडशिप ही नहीं कर पा रहे तो ऐसे करते करते अलग अलग ओपिनियन हमको अलग अलग लोगों से दूर लेके जा रहा है तो हम अकेले हो रहे हैं दूसरा रीजन है तीसरा रीजन है जो मैंने आपको एक अलग वीडियो में बताया था कि हम हेल्दी मेंटल डाइट को इनवाइट नहीं कर रहे हैं हम प्रोएक्टिव स्टेप नहीं ले रहे हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन लोग जो हैं वो इंस्पायरिंग है कौन लोग ह्यूमरस uh, हैं कौन किस कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अच्छा फील हो सकता है कौन कौन से ग्रुप में ऐसे ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उसमें जुड़ने का प्रयास करते हैं ना तब जाके हम लोनने से दूर रह सकते हैं

बिकॉज हमारे मूड हॉर्मोन्स कम हो रहे हैं बिकॉज हमें ऑलरेडी उदास महसूस हो रहा है हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों से अलग रह रहे हैं तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप लाल कलर के चश्मे पहनेंगे आपको चीजें लाल दिखेगी अगर आप ग्रीन गॉगल्स पहनेंगे चीजें ग्रीन दिखेगी आप ब्लैक पहनेंगे तो ब्लैक दिखेगा सेम वे अगर आप ऑलरेडी डिप्रेस महसूस कर रहे हैं सैड महसूस कर रहे हैं तो आपको चीजों का परसेप्शन भी वैसा दिखेगा आप दुखी हैं तो आपको वैसा दिखेगा कि भाई दुनिया ही ऐसी है लोग ही अलग है वो लोग खुश हैं मैं नहीं हूं तो आपका परसेप्शन जो है ना वो आपके इमोशन के साथ फिल्टर हो जाता है तो आप लोनली नहीं भी है लोनली फील कर सकते हैं तो ऐसे केसेस में अगर आप काउंसलर के पास जाएंगे ना वो आपको आपके मन का रॉन्ग परसेप्शन और रियल परसेप्शन के बीच में डिफरेंस बता के आपको सिखा सकते हैं कैसे हम रियल परसेप्शन की तरफ जा सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे रीजनस है जिससे हमको लोनलीनेस फील हो सकता

हम ऐसी सोसाइटी में जा रहे हैं जहां पे प्लेजर के सोर्सेस में हमें लोगों की जरूरत नहीं है हम हमारे स्क्रीन से प्लेजर ले रहे हैं हम फूड से प्लेजर ले रहे हैं हम नेटफ्लिक्स वगैरह देख के प्लेजर ले रहे हैं तो जो कनेक्टेडनेस है वो कम हो रही है क्योंकि हम इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भाग भाग रहे हैं तो जो हमको ऑलरेडी मिल रहा है लेकिन इसके रिप्रकशन बहुत खराब है क्योंकि वो जो इंस्टेंट प्लेजर है ना वो थोड़ी टाइम में ड्राई हो जाते हैं उससे प्लेजर मिलना कम हो जाता है पहले हमको एक एपिसोड देख के मजा आ रहा था अभी हमको बिंज वॉच करना पड़ रहा है हमारा थ्रेशोल्ड ऊपर जा रहा है जिसकी वजह से कनेक्टेडनेस पे हम फोकस नहीं कर पा रहे तो सोसाइटी भी चेंज हो रही है हमारे पास बहुत अच्छे से व्हीकल्स हैं फटाफट अपने फ्रेंड के पास पहुंच सकते हैं अभी हमको बस का वेट नहीं करना है फिर भी हमको इतना शॉर्ट प्लेजर चाहिए कि हम उतना भी एफर्ट नहीं कर रहे तो हालांकि कम्युनिटी जो मैंने प्राचीन कालों से मतलब जो कांस्टेंट है, वो है कम्युनिटी रही है तो पहले जो हम कजन के साथ बहुत सारे वेकेशन कर रहे थे अभी हम बोल रहे हैं मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही छुट्टी नहीं मिल रही हम तो पूरा सोसाइटी भी चेंज हो रहा है तो ये सोशल चेंज भी है और हमारे मन का परसेप्शन भी है बहुत बार आपको लगेगा कि मीम था अगर आपको पता हो तो कि आज मेरा वाईफाई बंद था तो मेरा फोन साइड में था और मैं मेरे फैमिली से बात किया अरे यार वो लोग तो अच्छे लोग निकले है <laughs> ना तो जब हम जुड़ते हैं ना हमको लगता है यार लोग इतने बुरे नहीं है वो तो अच्छे लोग हैं लेकिन हम ट्राई नहीं कर रहे हम इनिशिएट करेंगे ना तो लोग भी ओपन अप होंगे और हमको लगेगा यार कनेक्टेड रहने का तो बहुत मजा है तो सोशल कनेक्टेडनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो अपना एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करता है ये वर्ड आप याद रखिए सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है एक हेल्दी फंक्शनिंग माइंड के लिए जो हमको कनेक्टेडनेस से सोशल कनेक्टेडनेस से बनता है आप इंट्रोवर्ट है तो कोई बात नहीं लेकिन कोई ना कोई क्लोज फ्रेंड्स कोई ना कोई सोशल सपोर्ट होना जरूरी है। और सुशांत का एंगल बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत लोग जानना चाहते हैं कि ये सेलिब्रिटीज इसके पास इतना सारा पैसा है इतने सारे फैंस हैं इतना सारा मजा कर रहे हैं इतना बड़ा बंगला है भाई उनको किस बात का डिप्रेशन राइट इसको समझना जरूरी है

बहुत सारे होते हैं। हैं, so right? दूसरा, वहाँ पे लोग स्ट्रेस uh, से बाहर निकलने के लिए क्विक फिक्स क्योंकि उनके उनके पास टाइम नहीं है मेडिटेशन कैंप में जाने का, तो वो right? तो वो वो सब्सटेंस लेते हैं, हैं। भी ब्रेन को बहुत सारे डैमेज करते जा सकते महेंद्र सिंह धोनी माही अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे थे एक दूसरे को गाली गलोज कर रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे वे उस बात को कितने साल हो गए आज भी लोग वो देख देख के हंस रहे हैं अरे यार देखो महेंद्र सिंह धोनी क्या कर रहा है बेचारे को इतने साल में एक बार फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने को मिला वो भी वायरल हो गया तो पब्लिक आईज उनको बहुत प्रेशर डालती है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनको प्रेशर आ सकता है उनको एलिनेटेड फील हो सकता है वो अपने दोस्त के साथ फैमिली के साथ खुल के नहीं मिल सकते उनको टाइम भी नहीं है अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है जिसकी वजह से लोनलीनेस बढ़ जाता है और फिर उनको एक्चुअली डिप्रेशन आता है मैंने खुद क्योंकि मैंने मुंबई में काफी टाइम बिताया है एज अ डॉक्टर मैंने खुद बहुत सारे सेलिब्रिटीज टीवी स्टार्स मूवी स्टार्स को देखा है जो लोग बहुत बुरी कंडीशन में आते हैं और हमको ऐसा लगता है यार इसको इसके साथ मैंने कल ही फोटो खिंचवाया है वो बहुत इंस्पायर फील कर रहा था और आज वो मेरे पास आके मुझे उनके इंटरनल सैडनेस की स्टोरी बता रहे ये सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं है वे आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो सकता है कि दे आर स्माइलिंग